नमस्कार, मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। फेस टू फेस प्रोग्राम के माध्यम से देश के कोने कोने में लोकप्रिय चेहरों की तलाश हम करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं अलीगढ़ की मिट्टी की बेटी के नाम से चर्चित एवं प्रचलित उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनी सलाहकार स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गीतांजलि शर्मा जी के पास। आइए जानें उन्हीं की जुबानी उनकी लोकप्रियता का राज क्या है। आपका स्वागत है गीतांजलि शर्मा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप देश के कोने कोने में बहुत प्रचलित फेमस हैं, आपकी लोकप्रियता का क्या राज है और आपसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी बेटियाँ बहुत प्रभावित हैं, क्या है राज आपका? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हमवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रचलित लोगों को जो लोकप्रिय हैं उनको आप उनकी एक तरह से उनको आगे लाने के लिए एंड उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि भाई और अच्छे काम वो कर सकें, ऐसा आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मेरी लोकप्रिय होने की जी, तो लोकप्रियता देखिए बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए आप अच्छे बनिए, जैसे आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देखिए मेरा तो, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अपने जो परिवार है वो दादाजी मेरे किसान थे, मेरे फादर टीचर थे और सभी बहुत सोशल तरीके से मैंने अपने लाइफ में पाया। फिर मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, गांव की पहली बेटी, मैं खेल कूद में गई और मुझे सभी जगह से बहुत प्यार मिला। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो परवरिश है एक वो बेटे की तरह हुई। जी जी, चार भाई होने के बावजूद भी बेटे की तरह परवरिश हुई। और ऐसे मुझे जैसे सब लोग बहुत प्यार करते थे, गांव के लोगों ने भी बेटी की तरह नहीं समझा, एक बहुत ही मतलब जैसे प्रिंसेस राजकुमारियां जैसे होती हैं ऐसा उन्होंने मुझे सम्मान दिया। तो मुझे लगा कि जब मैं इतनी इतने उस पर मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए। और मैंने गाँव की बेटियों के लिए, मेरी मिसाल दी जाती है आज की डेट में, मुझे बोला जाता है कि मैं एक उनके लिए आइकन हूँ, मैं उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर रही हूँ, एक आदर्श बेटी की तरह काम कर रही हूँ। सो स्पोर्ट्स के लिए मैंने बहुत काम किया है और आर्ट एंड कल्चर पर भी वर्क कर रही हूँ। कड़ी दर कड़ी मैंने अपने पिताजी के नाम से, जैसे अलीगढ़ खेल रत्न सम्मान मेरे पिताजी के नाम से दिया जाता है, स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा अलीगढ़ खेल रत्न अवार्ड जी, अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसमें सपोर्ट किया मुझे। और आप जैसे भाई बंधुओं ने मुझे, मीडिया का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उसमें जी, कि मीडिया अगर मुझे ये ना कहती ना कि नहीं मैं हूँ अलीगढ़ की वो बेटी, तो ऑब्वियसली शायद किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ना चलता ये बात कि मैं गाँव की बेटियों के लिए या खेल कूद के लिए या आर्ट एंड कल्चर पर इतना वर्क कर रही हूँ। तो लोकप्रियता तो मेरी ऐसे ही बढ़ी आप लोगों की वजह से, तो आप भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आप मेरी तरह या मेरे से भी अच्छे काम करने वालों को ऐसे ही आप उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। आप इतने बड़े पद को संभाल रही हैं मैम, कैसा लग रहा है आपको? और आपसे क्षेत्र की जनता, देश की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, आप खरी भी उतरती हैं उनको, तो किस तरीके से आप टाइम निकालती हैं अलीगढ़ वासियों के लिए और कैसा महसूस करती हैं आप आज? देखिए 5 days तो मेरा बहुत वर्किंग रहता है, मेरे पास 2 दिन होते हैं, 2 दिन में से मैं 1 दिन मेरे ऑफिस वर्क के लिए देती हूँ। मैं 1 दिन होता है संडे, जिसे लोग कहते हैं ना हाँ संडे है, बड़े प्यार से छुट्टी मनाना है जी। तो मैं उस संडे को छुट्टी ना मना के मेरी जो खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी मेरी उन लोगों में है जिनको मेरी ज़रूरत है जी, जी। मुझे जैसे लोगों का प्यार सम्मान मिला और मैं आगे आई, वैसे ही मैं उन बच्चों को प्यार सम्मान देना चाहती हूँ और उनको आगे लाना चाहती हूँ जो मेरी तरह देश के लिए या समाज के लिए काम करना चाहते हैं जी, जी। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ जी। एंड मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको कि यूपी स्टेट मैराथन मेरे पिताजी के नाम से कराई गई थी 13 दिसंबर को, हर साल जैसे कि अलीगढ़ खेल रत्न सम्मान दिया जाता है जी। तो उस दिन कोई स्टेट गेम्स भी होते हैं, तो जैसे पिताजी की फ़ोटो लगी हुई थी और जहाँ से दौड़ होने वाली थी, तो जैसे मैं, कमिश्नर साहब अलीगढ़, एनएडीएम सिटी अलीगढ़, हम सब लोग खड़े हुए थे, गेस्ट भी आए हुए खड़े हुए थे सारे लोग जो है, तो उसमें जैसे बच्चे कह रहे थे कि ये तो हमारी ना बुआ लगती हैं, ये ना हमारे गांव की हैं, ये ना हमारे बाबा हैं मेरे पिताजी के जी, लिए जी। तो वो जो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई जी जी, आप जैसे किसी भाई बहन ने वो मीडिया ने रिकॉर्ड की, मुझे नहीं पता था, जब मुझे बाद में दिखाई गई वो चीज़ें जी, तो और कहते हैं कि ना ये दौड़ हो रही है ना, हम इससे वहाँ खेलने जाएंगे या हम आगे बढ़ पाएंगे,
तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे जब मेरे पास आती हैं ये चीजें तो, और जब वो बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे प्रो कुश्ती लीग का मैंने करवाया जी, उसमें कबड्डी भी कराई थी, जैसे 44 टीमें कबड्डी की आ गई मंडल से ही, तो मुझे पता चला कि कितना जो गाँव का गेम है और कितना लोकप्रिय गेम है, और खासतौर से लड़कियां जी जिनको के पहले निकलने नहीं दिया जाता था हमारे यहाँ पर, तो अब 62 लड़कियां हैं अलीगढ़ में जो कुश्ती खेलती हैं, और पता है वो बड़ा दूर दूर से मेडल भी लेके आ रही हैं, अब कबड्डी की भी हमारे यहाँ से बहुत लड़कियां अभी मेडल लेके आ रही हैं, क्लस्टर हुआ है कभी उसमें भी 2nd नंबर की टीम आई है अलीगढ़ की। तो ऐसे देखिए उन बच्चों को क्या थोड़े सपोर्ट की जरूरत है जी जी, तो आओ मैं और आप मिलके हम दोनों उन्हें सपोर्ट करते जी, हैं और आगे लाते हैं जी। आप अलीगढ़ के अलावा ना देश के कोने कोने में जाती रहती हैं, हम आपकी खबरें न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, मेरठ में कभी कहीं देश के किसी भी राज्य में आप जाते रहते हैं, तो वहाँ भी एकदम वो अपनापन वहाँ के लोग आपको मान लेते हैं, एकदम घुल मिल जाते हैं आप उनके लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के? देखिए मैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं? बिल्कुल, जैसे कि देखिए मैंने पिछली बार जो मेरा जैसे संकल्प लिया है मैंने जी, उसमें एक तो ये कि मैं गांव की बेटियों को आगे लाऊंगी, ऐसा नहीं है उसमें कुछ लड़के भी हैं जी जी जिनको के वाकई जो साधन विहीन हैं बेटियों के साथ, मैं उन लड़कों को भी सपोर्ट करती हूँ। तो पिछली बार जैसे मेरा संकल्प था मैंने गाँव में ही कुश्ती कबड्डी कराया जी, और गांव की बेटियों को थोड़ा खुल के आगे आने का मौका मिला जब वो गांव में हुआ जी। तो उससे मुझे एक तो ये चीज मुझे खुद सीखने को मिली कि कहां एक्चुअल बच्चों को मेरी जरूरत है जी। दूसरी बार घुलने मिलने की आपको मैं बताऊं कि जब तक आपसे वो भय नहीं खुलेगा उनको, जब तक वो मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, जैसे वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक वो अपनी समस्याएं आपको कैसे बताएंगे, तो जब वो आपको समस्याएं बताएंगे तभी उनका निवारण भी किया जा सकेगा। देखिए काम तो मैं कर ही रही हूँ, मतलब इनकॉन्टिनेशन मेरा चल ही रहा है 2003 से, 2000 से भी चल रहा है, और 96 से मैंने शुरू किया हुआ है ये करना जी जी। बेसिकली जो ज्यादा शुरू किया है वो मैंने सन 2000 से किया है जी। और उसको 2003 में मैंने एक प्रारूप में बदल दिया, एक सोसाइटी के रूप में भी, कि डायरेक्टली मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही थी तो मैंने एक सोसाइटी, जैसे मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी है जिसके मैंने जिसको एक फ्रेम किया बनाया उसको, और उसके थ्रू मैं अब जैसे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जैसे डायरेक्ट मुझसे नहीं मिल पाती तो उसका मानव संकल्प से आके मिल सकती हैं वो जी। और अच्छे से जैसे उनकी समस्याएं जैसे ही पता चलती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करने में, और मैं गांव की बेटियों को कहना चाहूंगी कि संकोच ना करें। देखिए देश आगे बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे मैं मुझे लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि पिछली बार मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया ब्रिक्स में जी, ब्रिक्स लोग अपने आगे बहुत लोग नाम भी नहीं जानते हैं जी जी बिल्कुल। तो ब्रिक्स में जब मैंने अपने आगे देश को रिप्रेजेंट किया, मेरे गवर्नमेंट के लोग थे जो जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब मैंने वहाँ पे इनवाइट करवाया एज ए पैनलिस्ट एज ए गेस्ट, उन्होंने खुद कहा कि नहीं नहीं हमें तो इन लोगों को लिए करना चाहिए, ये तो हमारे देश के लिए बहुत है। डायरेक्टर जनरल जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग, उनको मैंने एज ए पैनलिस्ट, तो उनके सारे लोगों का जो सपोर्ट है, सभी लोग ऐसा नहीं है, देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं जी। और हमें सिर्फ ये ज़रूरत है कि हम लोग सिर्फ एक टीम बन के उनकी समस्याएं अगर हमें पता चले गांव की बेटियों के लिए, उन्हें संकोच आगे आए बताएं अपनी समस्याएं, उनके निवारण के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, बशर्ते कि मुझे उनकी समस्याएं भी पता चलें। आप इतने बड़े बड़े कार्य को करते हैं देश की सेवा में रहते हुए भी और अभी भी कर ही रहे हैं आप, एक आपको यहाँ तक पहुँचने के सफर तक का कोई ऐसा यादगार पल हो जो आपको बार बार याद आता हो? यादगार पल का मैं आपको बताती हूँ, जब मैं खिलाड़ी थी जी, जब मैं ताइक्वांडो की लड़की, मैं जब पहली खिलाड़ी बनी अपने यहाँ से जी, तो मुझे आज भी पता है कि मुझे सुबह उठ के जब जाना पड़ता था, मेरे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर था जो मेरा सेंटर था जहाँ मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना होता था, तो जब मैं जाती थी तो पहले पैदल चल रही हूँ 5 किलोमीटर, फिर बस ले रही हूँ, फिर पैदल चल रही हूँ मैं जी जी। उसके बाद जाके पता चलता था कि कोई सपोर्ट करने वाला उस वक्त पे नहीं होता था, तो कोई डाइट का कुछ पता नहीं है, खाने का कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट ड्रेस का कुछ पता नहीं है, जूते नहीं होते थे जी जी जी।
और ऐसे नंगे पांव दौड़ रहे होते थे हम लोग, ड्रेस नहीं होता था तो वाइट सूट पहन के हम लोग दौड़ते थे कि भाई और क्या करें, कलर कपड़े तो अलग हो जाएंगे जी। तो ये सब जो समस्याएं मैंने देखी और जब मैं आगे खेलते खेलते आगे बढ़ी और जब मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और मैं अपने जब अलीगढ़ से पहली बार बाहर निकली जी, तो मतलब बहुत अजीब सी बात है कि मेरे पास जो है वो जूते नहीं थे जी। तो मैं मुझे कोई आए, उन्होंने देखा मैं नंगे पांव दौड़ रही थी, उन्होंने आए कहने लगे बेटे आपके पांव में तो काफी सूज रहे हैं और आपके ना चोटें सी लग रही हैं। तो हमने कहा नहीं, खिलाड़ी को कोई दर्द नहीं, दर्द नहीं होता। तो उन्होंने मुझे जूते दिलाए। मतलब जब लोग बहुत छोटी छोटे 100-150 रुपए के जूते भी बहुत अच्छे आ जाते थे, तो उस जमाने में उन्होंने मुझे 2000 रुपए के जूते दिलाए थे एंड वो जूते मुझे आज भी मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं जी। वो पहला वो था, पहला वो था और बहुत ही अच्छा लगता है। और वो जब छोटी छोटी समस्याएं से जब मैं आगे आई हूँ तो मैंने आज की डेट में मैंने अपनी इनकम का 40% हिस्सा जी संकल्प लिया है कि मैं उन्हीं ऐसे ही बच्चों के लिए उस पैसे को खर्च करती हूँ मैं जी हर साल, कि भई जिनके पास जूते नहीं हैं, ड्रेस नहीं है, उनकी फीस नहीं भरी जा सकती है जी, या जिनको गेम में आगे जाने का मौका नहीं मिलता, मिलता है तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जी। और मेरी अपनी पूरी कोशिश है, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ जी, तो मेरा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मैं उन बच्चों के लिए कर पाऊँ। खेलो इंडिया में जैसे मैं हूँ एज ए लीगल एडवाइज़र, मुझे लगता है अपने यहाँ के बच्चे भी आगे आने चाहिए, तो उनके लिए बस मेरी एक कोशिश है। और छोटी छोटी जो यादें हैं अपनी जी, वही मेरा ये मुझे याद दिलाती हैं कि नहीं कभी मुझे भी जो समस्याएं थी आज बच्चों को वो समस्याएं ना झेलनी पड़े। गीतांजलि जी कोई अपने बचपन की वो बताइए आदत जो मम्मी पापा आपको डांटते हो, कोई ऐसी आदत हो जिससे आप पापा से छुप कर गए, वो पापा बार बार मना भी करते हो, डांटते भी हो, फिर भी आप करते हो उसको। बेसिकली पापा मना नहीं करते थे जी, मम्मी से बहुत डांट खाई है मैंने जी। पापा की तो मैं प्रिंसेस थी, बेटियां पापा की प्रिंसेस होती हैं। हाँ, मेरे चार भाई होने के बावजूद भी मेरे पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे जी। और जाके मैं जैसे जैसे हमारी ज़मीन जायदाद है जी, तो जैसे दादाजी वगैरह खेत पे पहुंची मैंने, तो दादाजी ने कहा कि बेटे जरा ये उठा के देना चीज़ें, कोई छोटी छोटी चीज़ भी देखा। अच्छा दादाजी ने काम कह दिया, तो पेड़ पे चढ़ जाती थी मैं जी जी, पेड़ पे चढ़ जाती थी। तो वो फिर दादाजी कहते थे अरे लड़की को अंग्रेजी पढ़ा रहा है बनाएगा कलेक्टर जी, ये मेरे दादाजी के वर्ड। फिर अब मेरी मदर इनको अम्मा बोलती जी जी, तो वो कहती थी लड़की को इतना सिर पे चढ़ा रखा है और कैसे होगा, और ये जो तो मेरे पापा के जो शब्द होते थे कह रहे नहीं नहीं ये तो मेरी प्रिंसेस है, इसको कोई कुछ मत कहना बस। एंड मैंने जब कभी भी जिस चीज पे हाथ रखा, मतलब मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब कपड़े और सब जूते बहुत सस्ते आते थे, तो एक बार मैंने एक मुझे पिंक कलर की जो है फ्रॉक बहुत पसंद थी, मतलब तो मैंने बचपन में जैसे होते तो एक कंपैरिजन किया गया, मेरे पापा ने एक रखी तो एक पिंक कलर की थी, एक ब्लू कलर की थी और एक और कोई कलर रहा होगा प्रिंट में, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा कौन सा पसंद है जी, तो मैंने हाथ रखा, सबने कहा कि पिंक कलर की बहुत अच्छी है, पिंक कलर की जैसे बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैंने ब्लू कलर पे हाथ रखा जी। तो सबने पूछा मुझे कि ये ब्लू कलर पे तुमने क्यों हाथ रखा है, तो मैंने कहा नहीं क्योंकि ब्लू आसमान होता है और मुझे आसमान तक आसमान छूना है जी। तो वो सबसे महंगा कपड़ा था उस जमाने में, 49 रुपए मीटर का वो कपड़ा था जो बहुत महंगा उस वक्त पे माना जाता था। तो खूब नाराज हुई मेरी अम्मा और मुझे खूब डांट पड़ती थी, लेकिन पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। पेड़ पे चढ़ने वाली बात आपको बहुत अच्छी याद आती है। एक बार तो मुझे ये पता चला कि ना बाकी पेड़ों पे ना सब लोग ढूंढ लेते हैं, तो मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ गई जिस पे कि हर कोई नहीं चढ़ पाता है, बहुत ही ऐसा होता है और मानते हैं कि देवी देवता होते हैं हमारे जी, हाँ, हमारे धर्म में मानते तो हैं। जब मुझे सबने कहा कि नहीं पीपल के पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे आज देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए,
तो शायद वो आशीर्वाद मेरे पास आज है जी। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे पास है जी जी। और बस आप जैसे भाइयों का प्यार मेरे पास है जी। देखा हमने गीतांजलि जी से आज बचपन की बातें शेयर की आप सभी के सामने, उन्होंने ऐसी ऐसी अनछुई कहानी अपने बारे में बताई और जो देखने लायक हैं, सोचने लायक हैं। आपको अच्छा भी लगा होगा कि कोई भी बहुत बड़ा स्टार, बहुत फेमस चेहरा, जो बहुत बड़ी हस्ती है आज की डेट में, वो कैसे रहते थे साधारण तरीके से। तो मैम, आप दर्शकों को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बच्चियाँ, जो बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मीडिया नई सुबह के माध्यम से? मैं मीडिया नई सुबह के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी, डरें नहीं जी, हिम्मत नहीं हारें। कोई भी काम बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। एक दृढ़ संकल्प एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे आने में हर हाल में मदद करती ही करती है, बशर्ते कि आपका संकल्प ऐसा हो जिसे आप दिल से करना चाहते हों जी। कोई भी, जितनी भी डिग्निटरी रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो बड़े घर से हो। सभी लोग एक आम घर से ही, गरीब घर से ही निकल के आए हैं जी। तो उनको अपना एक आदर्श माने या अपना आइकन माने या उनसे सीखें जी। मैं तो ये कहूँगी कि उनसे सीख लें, उनकी हिस्ट्री जानें कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की, उसको अपनाएं और आगे आएं। बाकी तो मैं उनके साथ हुई जी। तो देखा आपने, अभी हमने गीतांजलि शर्मा जी से बात की, उनके बचपनों की बातें भी की और उनको लोकप्रिय क्यों हैं ये भी बहुत सारी जानकारी उन्हीं के माध्यम से हमने ली, आप सब तक पहुंचाया। आप भी उनसे कुछ, आपने देखा ही होगा, आप सभी उनको बहुत मानते हैं, हम पूरे देश की जनता मानती है। फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ। आप देखना ना भूलें, फेस टू फेस